मुझे। आप बताइए, आज गाना निकला है कैसा लगा आपको हमारा सौदा खरा खरा? थैंक यू। Hi, I think I should finish giving you since I'm old. Don't look me. I'm loving everything. Yeah, the pictures khatam kare. What is the question? I think जो प्यार मिल रहा है ऑडियंस से और जितने व्यूज आ रहे हैं और सब मैसेजेस भेज रहे हैं, इट्स जस्ट सुपर ओवरवेलमिंग एंड वी आर सो एक्साइटेड टू शेयर द फिल्म विद यू ऑन द 27th ऑफ डिसम्बर। फिल्म फेयर आई मीन इट्स द वन अवार्ड शो दैट एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू एंड टुनाइट होपफुली इट्स अ लॉट ऑफ गुड न्यूज सो या एक्साइटेड। इनकी आवाज को मैं सुनाई नहीं दे रही, बस आई थिंक जितनी बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं उतनी ही एक्साइटमेंट एंड यू नो वी कांट वेट टू शेयर इट विथ यू ऑल, सो एक्साइटेड या थैंक यू। सिंस इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर एंड स्टाइल टुनाइट एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड प्लेइंग ड्रेस अप, टुनाइट आई वाज स्टाइल्ड बाय लक्ष्मी लहर एंड पंकज एंड निधि गाउन, सो आई होप इट्स एक्टर आई थिंक ऋतिक रोशन, करीना कपूर खान फॉर श्योर। सी यू, थैंक यू, थैंक यू। So I'm wearing Gavin Miguel tonight. I thought I will risk it. I will be a little out of the box. I'm normally very structured and very basic. So today I'm experimenting and having fun with it. Oh, style statement actually is very different from what it is today. I'm very understated. Black is a favorite color of mine, so you see me wearing different shades of black. Tonight is not so understated, but I'm feeling good in it. Thank you very much. Carpet is getting stuck. Yes, it's okay. Okay, so Malai, I think anything that Filmfare does is always exciting. I think whether it's their film awards, whether it's their fashion and style awards, I think being at a Filmfare event is always a lot of fun. Beautiful outfit hai aapka, jo hamesha beautiful hota hai.
thank you very much. I think that's very sweet. Well, jaise likha hai yahan pe, it is a glamour and style award. So I think thoda zyada glamour or stylish hona chahiye. Stylish actor? I think for me it's Kareena Kapoor. I think she's just lovely and stylish and just so beautiful. Thank you. Thank you so much. क्या बात कर हाय कैसे आप थैंक यू सो मच सभी को आपकी फिल्म पसंद आई है थैंक यू काफ़ी अच्छा फील हुआ है क्योंकि ये साल काफ़ी स्पेशल रहा है क्योंकि शुरुआत आर्टिकल 15 से हुई थी उसके बाद एक ड्रीम गर्ल आई थी फिर बाला जो कहीं बीच में थी वो आई थी सो आई गेस इट्स बीन अ ब्यूटीफुल ईयर क्योंकि तीनों अलग तरह की फिल्में हैं और काफ़ी अप्रिसिएशन मिली तीनों को एक वैलिडेशन मिलती है मेरे चॉइसिस के लिए सो आई एम ग्लैड आप लोगों का प्यार है बस और क्या फिल्म फेयर की कोई भी अगर आप एंटिटी होती है उसके लिए एक्साइटेड रहते हैं चाहे फिल्म फेयर के मेन अवार्ड्स हों या ग्लैम एंड स्टाइल अवार्ड्स हों क्योंकि ये 2017 मेरे लिए अच्छा था और 2018 बहुत अच्छा था अब तक सबसे बेस्ट 2019 रहा है और मैंने आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने ये जो अपनी एवोल्यूशन ना सिर्फ सिनेमा में देखी है बल्कि स्टाइल में भी देखी है सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट लाइक दैट ये ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मतलब मेरे नाम का कुछ जॉनर लोग बोलेंगे बट इट्स वेरी फ्लैटरिंग इट्स ग्रेट कि हेलो सो हाँ मैंने सोचा नहीं था ऐसा बट आई एम ग्लैड पीपल आर सेइंग दैट इट्स काइंड ऑफ वैलिडेशन अगेन ऑफ द सिनेमा दैट आई एम डूइंग ये गौरव गुप्ता ने डिज़ाइन किया है और ईशा बंसाली ने स्टाइल किया है और उसके अलावा मेरा काम था पहनना अच्छा लग रहा है इसलिए पहन लिया मैंने थैंक यू सो मच हेलो ऑलवेज एक्साइटेड फॉर फिल्म फेयर ऑल्सो फॉर माई फ्रेंड जितेश हु इज द ओनली रीजन आई एम हियर टुनाइट सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट्स इन स्टोर एंड द शो एंड इट्स ऑलवेज अ फन नाइट बिकॉज दिस वन इज द फन कैजुअल नाइट सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आई एम वेयरिंग अ टेक ऑन अ सूट बाय अलीना अनवर so yeah, I thought it was quite like, it was different, something, you know, not so conventional. Thank you. जी बहुत एक्साइटेड है 6 दिसंबर की रिलीज़ है अब तो आ ही गई है एक हफ्ता भी नहीं बचा सारे होर्डिंग्स लग गए हैं मुंबई में
काफ़ी उत्सुकता है. फर्स्ट सीजन ने बहुत अच्छा किया, एमी नॉमिनेशन मिला. सेकेंड सीजन इज राउंड द बेंड, होपफुली वी कैन लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस. काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी. राइवलरी है बिटवीन अरविंद वशिष्ठ माई कैरेक्टर एंड वायु राघवन, जरीना मेहता विच इज़ प्लेड बाय रिचा चड्डा, एंड देन देयर इज विवेक ओबरॉय. एक्सेल्स पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एज प्रोड्यूसर्स एंड वी ऑल वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ टू बैक दिस प्रोजेक्ट. हाँ, एक नया प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं अभी. एक्चुअली वो प्रोड्यूसर्स ही रिवील करेंगे तो बेटर है, बट बीन 5 days, सो yeah, it's going well, thank you. Bye.